नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई जघन्य आपराधिक घटना के बाद योगी सरकार अपने ही जाल में फंसती नजर आ रही है, जहां एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिए थे कि हर जिले में बलात्कार छेड़छाड़ करने वालों की पहचान उजागर करने के लिए पोस्टर लगाए जाए, लेकिन क्या ऐसा लोनी में संभव है। वहीं इस दौरान विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए हाथरस मामले को लेकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी उम्मेद पहलवान इदरिसी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। ये एक आम बात है कि यहाँ दलितों व मुस्लिमों के साथ अत्याचार इस सरकार में बहुत बढ़ चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल से योगी सरकार को भंग करने की मांग की है। बड़ी शर्मनाक घटना है। हमारे दलित समाज की बेटी मनीषा कितनी बेरहमी, कितने जल्लाद पने के साथ उन नालायकों ने, उन खबीशों ने उस बच्ची के साथ बलात्कार किया, जुबान तक काट दी गई, जगह जगह चोटें पहुँचाई है। इतनी बेरहमी, इतने जल्लाद किस्म के वो लोग कि आए दिन उत्तर प्रदेश में, बात मनीषा की नहीं है, इस उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी सरकार आई है दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, दलितों के साथ मार पीट, हत्या, बलात्कार, लूट डकैती। मैं कहता हूं कि इतना जंगल राज इस सरकार में जो आज बीजेपी सरकार में हो रहा है किसी सरकार में नहीं हुआ। आप किसी सरकार का इतिहास उठा के देख लीजिए, जितनी बलात्कार, लूट, हत्या, डकैती और दलितों के साथ, आखिर ये क्या चाहते हैं। जब इन्हें हिंदू मुस्लिम कराना होता है तो दलितों को ये हिंदू बना देते हैं। आज दलितों को मारने की बात होती है, आज दलितों का बलात्कार करने की बात होती है तो आज ये उनको दलित समझ रहे हैं। ये बीजेपी सरकार जो नाकारी सरकार है, निकम्मी सरकार है। मैं माननीय राज्यपाल से ये निवेदन करता हूँ कि ऐसी निकम्मी नाकारी सरकार को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। जो जंगल राज आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे बेरोजगार हो, कोई व्यक्ति सरकार में खुश नहीं है। आप बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि लोनी में ही दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ, छेड़छाड़ हुई, क्या उसको इंसाफ मिला, क्या वो दरिंदे जेल गए। लोनी में बीजेपी के 3 से 4 नेताओं पे बलात्कार का, छेड़छाड़ का मुकदमा है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बलात्कारियों का फोटो लगे, मैं मुख्यमंत्री साहब से कह देना चाहता हूँ कि लगवाइए लोनी में उन बलात्कारियों के फोटो, जिन्होंने बीजेपी के लोगों ने, जिन्होंने बलात्कार किया, जिन्होंने छेड़खानी की। और कैसे कैसे सवाल बीजेपी के नेता कर रहे हैं। एक दो बीजेपी के जनप्रतिनिधि कहते हैं कि बलात्कार हुआ ही नहीं। मैं कह देना चाहता हूँ कि उन लोगों को अपनी जुबान पे लगाम लगाना चाहिए और सच्चाई को मानना चाहिए। और ये जो जुल्म बीजेपी सरकार द्वारा, बीजेपी नेताओं द्वारा, बीजेपी सांसद द्वारा, बीजेपी विधायकों द्वारा हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। ये सरकार तत्काल निष्कासित कर देनी चाहिए माननीय राज्यपाल जी को।